नेक्स्ट टास्क जो हमारा है वो है पॉलिनोमियल सर। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लें, 7x4 प्लस x³ माइनस 2x प्लस 8। दूसरा पॉलिनोमियल मान लेंगे तो 2x⁶ प्लस x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस 5x प्लस 3। ये मान लेते हैं दो पॉलिनोमियल्स हैं, कैसे ऐड करें इन दोनों को, अरे सॉरी ऐड नहीं, मल्टीप्लाई कैसे करें, कोई लॉजिक? सर पहले का फर्स्ट लोड और दूसरे का पूरा चलेगा, फिर ऐसे करके मल्टीप्लाई। हाँ, मैंने इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, हमें एक टर्म यहाँ से पिक करना पड़ेगा और इसके बाद फिर दूसरे वाले के सभी टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो यस सर, अगर हम इस यस सर, प्रोसेस को कंप्लीट यस। करने की कोशिश करें, जिससे कि लॉजिक और लॉजिक को सही बनाने के लिए हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो बड़ा सा होगा, तो मैं इधर ऐसे लिख लेता हूँ। तो हमने 2x⁴ को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब कोफिशियंट कोफिशियंट मल्टीप्लाई होंगे, 7 × 2 हो जाएगा 14, और एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड होंगे, सही है गलत? कोफिशियंट कोफिशियंट यस मल्टीप्लाई होंगे सर, और एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट ऐड होंगे, इसका मतलब कि 14x⁰, ठीक है? तो ये वाला टर्म हो गया। आप सेकंड की तरफ अगर जाएं तो 2x⁶ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x³ से, सो 2 × 1 2 हो गया कोफिशियंट, और 6 + 3 9 हो गया एक्सपोनेंट। फिर इसके बाद 2x⁶ को -2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोफिशियंट कितना हो जाएगा, रिस्पॉन्ड करते रहिए ताकि मैं इस पे लिखता रहूं, कोफिशियंट क्या हो जाएगा, -4, और एक्सपोनेंट कितना होगा, पावर 7। 7। ओके, और फिर नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोफिशियंट 32 और एक्सपोनेंट x⁶। इस टर्म का काम मेरा हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं x⁵ से। तो फिर दूसरी वाली लिस्ट या दूसरा वाला जो पॉलीनोमियल, उसको पूरा पूरा हम देखेंगे। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, तो x⁵ को 7x⁴ से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 7x⁹ प्लस x⁸ प्लस, क्योंकि नेगेटिव कोफिशिएंट है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, -2x⁶, ठीक है, और प्लस 8x⁵। एंड देन इस वाले टर्म से स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे इसमें, 21x⁸ इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले वाले से, फिर दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁷, फिर -6x⁵, फिर 24x⁴, करेक्ट? फिर इससे स्टार्ट करते हैं, 35x⁵ प्लस 5x⁴, नीचे लिखता हूं मैं, -10x⁵2 एंड देन 40x, एंड लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 21x⁴ प्लस 3x³ -6x प्लस 24, यही आएगा? बताइए आंसर यही आएगा। लेकिन इस आंसर में थोड़ी सी गलती है। गलती ये है कि हमें जो रिप्रेजेंटेशन था पॉलिनोमियल का, उसमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पावर में था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पावर में नहीं है, यहाँ पे रैंडम हो गया है, तो हमें इसको भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल में अरेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि एक्सपोनेंट वाइज हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए बताइए बच्चों, एक्सपोनेंट वाइज क्या करना पड़ेगा, अरेंज सॉर्ट करना, करना, अरेंज करना पड़ेगा, सॉर्टिंग सॉर्ट, करना। यस, सॉर्टिंग करनी पड़ेगी एक्सपोनेंट वाइज, ठीक है? तो अब एक तो तरीका है कि हम सॉर्टिंग ही कर लें। सॉर्टिंग करेंगे तो बड़े बड़े पॉलिनोमियल होंगे तो कितना टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम एन लॉग एन लगेगा,
लगेगा सर। यस सर। नहीं? मिनिमम टाइम एन लॉग एन लगेगा। वैसे इसका एक और तरीका, छोटा सा तरीका है। आप बताओ कि इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा एक्सपोनेंट वाला टर्म कौन सा होगा? बताओ। x और यही ये पहला ही टर्म होगा, आपको सर्च करने की जरूरत भी नहीं पावर पड़ेगी, है कि 10। नहीं? ये पहला ही टर्म होगा। यस तो सर। अगर x माने इसका पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा टर्म x पावर 10 है या सबसे बड़ा एक्सपोनेंट x पावर 10 है, तो एक काम करो, 11 साइज का एक एरे बना लो, और ये काउंटिंग एरे है, ठीक है? ये फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा। ये वाला एरे कभी आपने देखा है, फ्रीक्वेंसी काउंट वाला? तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और लास्ट वाला 10 ले लो एक, ठीक है? तो 11 साइज का हमने एरे ले लिया और इन सब की वैल्यू हमने 0 दे दिया, इनिशियलाइज कर दिया इन सब की वैल्यू 0। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल लिंग लिस्ट मिली है या पॉलिनोमियल में मिले जो टर्म्स मिल रहे हैं, उसमें अगर टर्म एक्स पावर 10 है, तो आप क्या करो कि 10th नंबर इंडेक्स पर चले जाओ एरे के, और जो भी कोफिशियंट है वो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे, ठीक है? 14 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 14 लिख दो। नेक्स्ट टर्म हम इसको पिक कर रहे हैं, 9 वाले में जाओ और कोफिशियंट 2 लिख दो। नेक्स्ट टर्म इसको लिख रहे हैं हम, -4x^7 है, तो 7 वाले में जाओ और यहाँ पे -4 लिख दो। फिर नेक्स्ट टर्म ये वाला है 32x^6, 6 वाले में चले जाओ और यहाँ पे 32 लिख दो। देन है 7x^9, 9 वाले में जाओ और 2 पहले से था उसमें 7 को ऐड कर दो, ठीक है? तो 2 2 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना? यस या नो? 2 पहले से था, 7 हमने यस उसको ऐड सर। कर दिया, 9 हो गया। फिर ये एक्स पावर 8 है, 8 वाले में जाओ और 0+8 कर दो, सॉरी 0+1 कर दो, क्योंकि कोफिशियंट कितना है, 1 है एक्स पावर 8 का। फिर यहाँ पे -2x^6 है, 6 वाले में जाओ और 32 पहले से था, इसमें -2 ऐड कर दो, 30 हो जाएगा ये। फिर 8x^5 के अकॉर्डिंग 5 में जाओ, 5 सेल में जाओ और यहाँ पे 0+8 कर दो, यहाँ पे 21x^8 है, 8 वाले में जाओ और 1 पहले से है उसमें 21 ऐड कर दो, 22 हो गया। फिर 3x^7, 7 वाले में जाओ, -4 पहले से उसमें 3 ऐड कर दो, -1 हो गया। फिर -6x^5, 6 वाले में जाओ, सॉरी 5 वाले में जाओ और 6 पहले से है, 8-6 कर दो, हो गया ये 2। फिर ये 24x^4, 4 वाले में जाओ, इसको 0+24 कर दो। 35x^5, x^5 में जाओ, 2 पहले से है, 35 ऐड कर दो, 37 हो गया। फिर 5x^4, 4 वाले में जाओ और यहाँ पे 24+5 कर दो, 29 हो गया। देन -10x² है, 2 वाले में जाओ, 0-10 कर दो, -10 हो गया। 40x में 1 वाले में जाइए, यहाँ पे 0+40 कर दीजिए, 21x^4, x^4 में 29 पहले से है, इसमें एक 21 और ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 50। 3x³, इसमें जाइए 3 कर दीजिए, -6x, इसमें ऑलरेडी 30 सॉरी 40 है, 34 कर दीजिए, फिर यहाँ पे 24 और यहाँ पे 24 कर दीजिए। तो जो आपका फाइनल पॉलिनोमियल आया, इस एरे को पीछे से ट्रैवर्स करो और ट्रैवर्स करने के बाद लिंक्ड लिस्ट बनाओ 14x^10, क्योंकि 14 कोफिशियंट है 10 नंबर सेल का। फिर 9 वाले का जो कोफिशियंट है वो 9 है, तो ये 9x^9 हो गया। 8 वाले का देखिए, चेक कीजिए, 22 है कोफिशियंट, सो ये 22x^8 हो गया। इस वाले का -1 है, सो ये -x^7 हो गया। इस वाले का 30 है, सो +30x^6 हो गया। और इस वाले का 37 है, तो ये 37x^5 हो गया। एंड देन ये वाला जो है वो 50 है, सो 50x^4 हो गया। एंड देन ये वाला 3 है, सो 3x³ हो गया। एंड देन ये वाला -10 है, सो दिस इज -10x² एंड दिस इज 34, सो दिस इज बिकम 34x एंड फाइनली द 24, सो +24 कर दो। तो ये हमारी पॉलिनोमियल बन गया जो कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से है। इज दिस करेक्ट स्टूडेंट्स?
ऐसा करना थोड़ा सा आसान है, रादर यस सर। देन डूइंग द सॉर्टिंग, क्या ये आसान है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इसके लिए एल्गोरिथम लिखनी है सबसे पहले। तो एल्गोरिथम कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन ही करोगे, है ना? चलो जरा मैं भी लिखने की कोशिश करता हूँ, आप भी लिखने की कोशिश करो, और गलती जहाँ पे होगी आप लोग बताते रहना। सो वी आर डूइंग दी पॉलीनोमियल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वी आर डूइंग द पॉलीनोमियल मल्टीप्लीकेशन, और इसमें दो पॉलीनोमियल हमें गिवन है, एक पॉली वन एंड पॉली वन एंड पॉली टू। ठीक है, तो पॉलीनोमियल वन और पॉलीनोमियल टू जो हमें गिवन है, इससे हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करेंगे कि सेकेंड पॉलीनोमियल का एक टर्म पिक करेंगे और उसको फर्स्ट के सभी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, या वाइसी वर्सा भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉलीनोमियल का कोई एक टर्म पिक करें और उसको सेकेंड के सभी से मल्टीप्लाई करते हैं। सो पॉली थ्री ले लेते हैं, जो कि हमारा एक आंसर पॉलिनोमियल है जिसको हम नल इनिशियलाइज कर लेते हैं, है ना? पी इक्वल्स टू पॉली वन ले लेते हैं, पहली लिंक लिस्ट का पहला टर्म। क्यू इक्वल्स टू पॉली टू ले लेते हैं, सेकेंड लिंक लिस्ट का पहला टर्म। तो जैसा भी आप करना चाहें वैसे करें। दो लूप्स लगेंगे इसमें, नेस्टेड लूप होंगे, वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल डू, और वाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू नल डू। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो सेकेंड लिंक लिस्ट है उसको बार बार स्टार्ट करना है पहले लिंक लिस्ट के हिसाब से। तो हम क्या करें कि पहले लिंक लिस्ट का टर्म पिक कर रहे हैं, उसको सेकेंड के सभी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने क्यू को री इनिशियलाइज करना पड़ेगा बार बार। तो क्यू इक्वल टू पॉली टू, हमने जैसे ही फर्स्ट लूप में से हमने एंट्री किया तो Q इक्वल टू पॉली टू हमने यहाँ पे कर दिया, इसलिए Q इक्वल टू पॉली टू ऊपर करने की जरूरत नहीं है, ये बार बार रिक्वायर्ड होगा, इसलिए हमने ऐसा किया। ये समझ में आ रहा है आपको कि Q इक्वल टू पॉली टू क्यों हम बार बार करेंगे? यस सर। कोई एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर पूरी हमें पॉलीनोमियल बार बार लेना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई के लिए। यस, तो हमें Q को बार बार री इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो व्हाइल Q इज नॉट इक्वल टू नल डू, क्या करना है आपको बताइए। पी और क्यू को क्या करेंगे? पी और क्यू के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी मान लेते हैं कोफिशियंट है, तो कोफिशियंट कैसे मल्टीप्लाई होंगे? पी डॉट कोफिशियंट मल्टीप्लाइड विथ क्यू डॉट कोफिशियंट। एक्सपोनेंट को क्या करना है हमें? ऐड करना है, तो ई मान लेते हैं एक्सपोनेंट है, तो पी डॉट एक्सपोनेंट और प्लस ई डॉट एक्सपोनेंट। करेक्ट और नॉट बच्चों? आप क्या करते हैं पॉलिनोमियल थ्री में इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इंसर्ट एंड करें या इंसर्ट बिगिनिंग करें, कौन सा आसान है? बताओ, इंसर्ट बिगिनिंग आसान है? इंसर्ट इंसर्ट बिगिनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट बिगिनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट बिगिनिंग हम कर लेते हैं, और इंसर्ट बिगिनिंग के बाद इसमें पॉली थ्री में कोफिशियंट और एक्सपोनेंट ऐड कर देते हैं, नोड बन जाएगा। P इज इक्वल्स टू P डॉट मैक्स कर देते हैं और Q इक्वल्स टू Q डॉट मैक्स कर देते हैं, करेक्ट? अब हम क्या करें बताइए, मल्टीप्लीकेशन तो हो गया और नोट्स भी बन गए, लिंक लिस्ट भी बन गई। नेक्स्ट काम क्या है हमारा? इसको अरेंज करना डिसेंडिंग सीक्वेंस में। अच्छा, अब थोड़ा सा एक्चुअली चीजें चेंज हो गई हैं। चेंज ये हो गई है कि जो हमारी लिंक लिस्ट का जो लास्ट टर्म है ना, वो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट बता रहा है। सर पी और क्यू दोनों को आगे बढ़ाएंगे इंसर्ट बिगिनिंग के बाद? सॉरी, पी को केवल आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। केवल पी को हम आगे बढ़ाएंगे, और जब क्यू का लूप फिनिश हो जाएगा, ये वाला लूप जब फिनिश हो जाएगा, देन हम पी को आगे बढ़ाएंगे। आप सही है बच्चों? पी इक्वल्स टू यस सर। ओके, थैंक यू। सो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया, एक लिंक लिस्ट बन गई बिगिनिंग में इंसर्ट करने से, मेरा थोड़ा सा इंसर्शन प्रोसेस आसान हो गया। अब मुझे मैक्सिमम एक्सपोनेंट कहां से मिलेगा? लास्ट नोट से ना, बताइए। यस और नो? लास्ट से मिलेगा। अब आपको उसके लिए लूप में जाने की जरूरत नहीं है, आप मैक्सिमम एक्सपोनेंट को फाइंड करने के लिए एम ले लो एक, और दैट इज इक्वल्स टू पॉली वन डॉट एक्सपोनेंट
प्लस पॉली टू डॉट एक्स प्राइम। जब पॉली वन और पॉली टू पहले नोड को पॉइंट कर रहे हैं तो पॉली वन डॉट एक्सपोनेंट और पॉली टू डॉट एक्सपोनेंट लार्जेस्ट टर्म को बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो पॉली वन हमारा ये है और पॉली टू ये है। आपने क्या किया कि पॉली वन का मतलब पहला टर्म, पॉली टू का मतलब पहला टर्म, दोनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं उन दोनों एक्सपोनेंट्स को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी ऐड कर लिया। ठीक है, करेक्ट और नॉट बच्चों? जो पहला होगा वो लार्जेस्ट होगा। सॉरी ये वाला नहीं था, ये वाला था, I'm sorry, इसको मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा यहाँ से। ओके तो ये हमारे दो पॉलिनोमियल्स गिवन थे। लेट मी टेक द डिफरेंट कलर पेन। सो ये हमारा पॉली वन था और ये मेरा पॉली टू था। ठीक है, पॉली वन में 7x⁴ पहला टर्म है और 2x⁶ पॉली टू का सेकंड टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में जो एक्सपोनेंट है, इसका एक्सपोनेंट है x⁶ और इसका एक्सपोनेंट है x⁶। अगर मैं पॉली वन के एक्सपोनेंट को पॉली टू के एक्सपोनेंट के साथ ऐड कर लूं तो ये मुझे 10 मिलेगा, जो कि आंसर पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होगा। यस और नो बच्चों, बताइए? यस सर। हाँ ठीक है, तो मैंने ये m फाइंड कर लिया। m का मतलब क्या है? मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम मुझे एक्सपोनेंट मिल गया। अब मैक्सिमम एक्सपोनेंट जैसे ही मुझे मिला, उसके बाद फिर मैंने एक काउंटिंग एरे बना लिया। ठीक है, ये इसको हम DAT भी कहते हैं, डायरेक्ट एड्रेस टेबल। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर पहले कभी अटेंड किए होंगे DAT से रिलेटेड, तो ये आपको पता होगा। एक हम डायरेक्ट एड्रेस टेबल बना लेते हैं जो कि m प्लस वन साइज की है। ठीक है, और इसके सभी टर्म्स को हम जीरो से इनिशलाइज कर देते हैं। यही काम हमने किया था ये स्टार्टिंग में। देखिए, ये मेरी डायरेक्ट एड्रेस टेबल थी जिसमें मैं एक्सपोनेंट के हिसाब से नंबर्स को अरेंज कर रहा था और इसके सभी टर्म्स को मैंने जीरो से इनिशियलाइज किया था। अब मैं क्या करूंगा, जो मुझे आंसर लिंक लिस्ट मिली है उस आंसर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करूंगा, और ट्रैवर्स करने के साथ साथ उसके जितने भी कोफिशियंट्स हैं उनको राइट सेल में डालूंगा। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेस टेबल के राइट सेल में डालूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वाइल, अच्छा चलो पहले आंसर लिंक लिस्ट में एक ट्रैवर्सल के लिए एक ले लेते हैं, कोई एक लेट से हम आर ले लेते हैं। सो आर इज इक्वल टू पॉली थ्री, पॉली थ्री को हमें ट्रेवर्स करना है। सो वाइल आर इज नॉट इक्वल टू नल, हमें पॉली थ्री को ट्रेवर्स करना है। जो आंसर हमारी लिंक लिस्ट है या आंसर पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स को राइट सेल में हमें डालना है। तो हम कैसे रेफर करेंगे इसके टर्म को या कोफिशिएंट को? आर डॉट कोफिशिएंट से रेफर करेंगे। बताइए बच्चों, आर डॉट कोफिशिएंट से रेफर करेंगे ना? यस सर। तो आर डॉट कोफिशियंट में हमें क्या डालना है? मतलब आर डॉट कोफिशियंट नहीं, हमें रेफर करना है आर डॉट एक्सपोनेंट सेल को। 10 नंबर सेल बताएगा एक्सपोनेंट 10, लेकिन उसमें होगा क्या, उसमें डाटा वैल्यू क्या होगी? वो कोफिशियंट होगी, है ना? तो आर डॉट कोफिशियंट और आर डॉट एक्सपोनेंट से हम लेट से यहाँ पे एक चीज पिक कर लेते हैं कि दिस इज सी एंड दिस इज ई। ई सेल में हमें जाना है और ई सेल में जाके सी को अपडेट करना है ना? तो डायरेक्ट एड्रेस टेबल जो हमारी है DAT, उसके ई सेल में जाना है, एक्सपोनेंट वाले सेल में जाना है, और वहां पे जो भी करंट वैल्यू है DATE में, जो करंट वैल्यू है उसमें सी वैल्यू ऐड कर देनी है। यस और नो बच्चों, बताओ? यहां यस से देखो, सर। इसको जो भी करंट कोफिशियंट हमें मिला है उसको प्रीवियसली जो डायरेक्ट एड्रेस टेबल के सेल में एंट्री है उसमें जाके ऐड कर देना है। फाइन, तो जब ये लूप फिनिश होगा तो मेरे पास डायरेक्ट एड्रेस टेबल के हर सेल में वो कोफिशियंट्स होंगे जो हमें डिजायर्ड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट एड्रेस टेबल को ट्रैवर्स करना है, डायरेक्ट एड्रेस टेबल को ट्रैवर्स करना है, और उसके बाद फिर हमें फॉर्म करना है लिंक लिस्ट, नई लिंक लिस्ट फॉर्म करनी है। अगर आप ध्यान से देखो कि जो ये हमारी डायरेक्ट डायरेक्ट एड्रेस टेबल है, इसको मैं दोबारा से रीराइट कर रहा हूं, और इसमें वैल्यूज हैं 24, 34, -10, 3, फिर 50, 37, 30, -1, 22, 9 एंड 14। ये वैल्यूज क्या बता रही हैं? ये वैल्यूज हमें बता रही हैं एक्सपोनेंट ऑफ 0, एक्सपोनेंट ऑफ 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन एक्सपोनेंट की कोफिशिएंट वैल्यूज हमें बता रही हैं ये।
अगर मान लो कि मैं एक लिंक्ड लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ और मैं इसको ट्रैवर्स करूँ यहाँ से स्टार्टिंग से, और जो पहला वाला एक्सपोनेंट मुझे मिला जीरो, उस जीरो एक्सपोनेंट के साथ एक नोड मैं बनाता हूँ, ठीक है? एक सेकंड, मैं एक नोड बना रहा हूँ जीरो एक्सपोनेंट वाला नोड जिसमें कोफिशियंट है 24, और मैं अपनी लिंक्ड लिस्ट में इसको एज ए फर्स्ट नोड इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट टर्म की तरफ जाता हूँ जो कि 34 है, और इसको भी मैं एज ए फर्स्ट नोड ही इंसर्ट करता हूँ। सो वी हैव अ 34 कोफिशियंट एंड एक्सपोनेंट 1 एंड नेक्स्ट, एज अ फर्स्ट नोड ही मैंने इसको इंसर्ट किया। फिर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ एज ए फर्स्ट नोड, सो -10 इज द कोफिशियंट एंड एक्सपोनेंट इज 2 एंड देन द नेक्स्ट टर्म, एंड देन मैं अगर इसको रेफर करूँ सो दिस इज 3 और एक्सपोनेंट इज 3, देन द नेक्स्ट टर्म एंड देन दिस वन 50, इसको भी मैं एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट कर रहा हूँ। तो आप ये देखो कि मैं एक्चुअली बढ़ते हुए जो एक्सपोनेंट्स हैं उसको बिगिनिंग में ही इंसर्ट कर रहा हूँ, करेक्ट? इसके पहले मैं स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, इसके पहले ऐसे बनाऊँ मैं, चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सो दिस इज 37 एंड 5, और इसका नेक्स्ट फील्ड इसको एड्रेस करेगा। फिर इसके आगे मैं एक और नोड बना रहा हूँ ये वाला 34 6, इसको ऐड कर देता हूँ। फिर ये वाला -1 एंड 7, इसको अटैच कर देता हूँ। देन 22 एंड 8, इसको अटैच कर देता हूँ। एंड देन ये 9 वाला 9 एंड 9, इसको अटैच कर देता हूँ। एंड देन फाइनली 14 वाला नोड है, 14 एंड 10, 14 एंड 10, सो 14 यहाँ पे और 10 एक्सपोनेंट इन दिस वन, और इसी को मैं मान लूंगा कि दिस इज पॉली 3। तो पॉली 3 इज 14x पावर 10 प्लस 9x पावर 9 प्लस 24x पावर 8 माइनस 1x पावर 7 प्लस 30x पावर 6 प्लस 37x पावर 5 प्लस 50x पावर 4 प्लus 3x³ माइनस 10x² प्लस 34x प्लस 24, ठीक है? बात समझे बच्चों आप लोग? यस और नो? यस यस सर, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्ट एड्रेस टेबल को एक एक करके माने स्टार्टिंग से करना है ना? तो अब हमें डायरेक्ट एड्रेस टेबल में जाना है, तो हम एक लूप ले लेते हैं, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 to m, डू m 0 भी इंडेक्स है, m भी, 0 से लेके m तक सारे हमारे एक्सपोनेंट्स वाले हैं। एक्सपोनेंट्स बताएंगे या फिर हमें इंडेक्स बताएगा डायरेक्ट एड्रेस टेबल का? तो मुझे क्या करना है कि पॉली 3 को एक बार फिर से नल इनिशलाइज कर लेते हैं, उसमें बहुत सारे नोड्स थे, अब मैं उसको नल फिर से इनिशलाइज कर लेता हूँ। पॉली 3 में मैं रिफ्रेश करके अपने नोड्स को डालूंगा। तो मुझे क्या करना है कि पॉली 3 में इंसर्ट बिगिनिंग ऑपरेशन करना है ना? और इंसर्ट बिगिनिंग ऑपरेशन में पॉली 3 का एड्रेस पास करूंगा, और एक्सपोनेंट सॉरी कोफिशियंट मेरे लिए होगा DAT का आई वैल्यू, आई इंडेक्स वाली वैल्यू, करेक्ट और नॉट बच्चों बताइए? DAT में आई इंडेक्स वाली जो वैल्यू होगी वो कोफिशियंट होगी, और आई मेरे लिए इंडेक्स हो, आई मेरे लिए एक्सपोनेंट होगा। बताओ बच्चों, पॉली 3 में DAT आई एंट्री मेरे लिए कोफिशियंट होगी और आई जो होगा वो मेरे लिए एक्सपोनेंट होगा। अगर मैं आई सेल की बात कर रहा हूँ तो आई सेल मतलब 0 सेल इनिशियली, तो 0 मेरा एक्सपोनेंट है। जब मैं 1 सेल की बात करूंगा तो 1 मेरे लिए एक्सपोनेंट है। जब मैं 2 सेल की बात करूंगा तो 2 मेरे लिए एक्सपोनेंट है, करेक्ट? ठीक है, और फाइनली मैं क्या करूंगा, रिटर्न पॉली 3। सो ये मेरा पॉलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन हो गया। प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन।